बहुत बहुत बड़ी घटना हुई है और इस सब का हम लोगों को दुख है। इसमें बहुत सारे जो घायल जो हुए हैं वो तो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, उनके सभी परिजनों प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई है। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख करके ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है, ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए लेकिन जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी हो तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से बिहार सरकार ने निर्णय लिया। देखिए रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा है, चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ रहे हैं। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो उस वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर।